तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा जो गुड़ है वो कितने अच्छे से खोल रहा है। आप लोग इसको देखिए इस तरह से मिला लेते हैं। तो दोस्तों दिलीप सोनी ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं। और हम लोग के सभी हम लोग का फैमिली के तरफ से आप लोग को हैप्पी मकर संक्रांति। और दोस्तों आज हम लोग मकर संक्रांति का कुछ जो आपका लड्डू बनता है, क्या बोलते हैं सोनी उसको? लाई बोलते हैं। तो अभी सोनी लाई बनाएगी, हम तो ड्यूटी निकल रहे हैं भाई, अकेले बनाएगी। और देखते हैं सोनी कैसे फर्स्ट बार में बनाती है, कहेगी इससे पहले बनाई नहीं थी, अगल बगल कोई रहता था तो सब मिल के बनाता था, लेकिन अभी वो सब चली गई तो सोनी थोड़ा सा अकेले है। हम हेल्प करते हैं लेकिन हम अभी तो ड्यूटी निकल रहे हैं तो कर नहीं पाएंगे। तो सोनी, किशन और परी तीनों मिल के बनाएगी सब। चलिए दोस्तों हम निकलते हैं अभी। तो दोस्तों अभी किशन का पापा चले गए हैं ऑफिस, और वो उनके जाने के बाद हम नहा धो के पूजा वूजा करके हम भी फ्रेश हो गए हैं। और अब हम चल रहे हैं ये मूढ़ी का जो लड्डू जो हम लोग इधर लाई बोलते हैं वो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि कल हम लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। एकदम अभी इतना बिजी बिजी चल रहे हैं कि एक बार भी टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए सुबह आज सोचे सुबह हम लोग बना लेते हैं। सोचे साथ में बनाएंगे, लेकिन उनका अभी ऐसा ऑफिस का टाइमिंग चेंज हो गया है कि उनको एक बार भी घर में रहने का टाइम नहीं मिल रहा है, सिर्फ रात में रहते हैं और दिन में एक बार भी नहीं रहते हैं। तो चलिए आज हमको अकेले ही बनाना पड़ेगा। ऐसे हम पहले बनाए हैं लेकिन किसी का हेल्प से बनाए हैं, और इस बार चलिए ट्राई करते हैं कि अपने से बना पाते हैं कि नहीं। और इधर देख सकते हैं हम कढ़ाई चढ़ा लिए हैं अपना चूल्हा में, और इधर इतना सारा पहले से हम बादाम भूज लिए हैं, उधर गुड़ पूरा कूट के उधर मूढ़ी सब सारा चीज रखा हुआ है। और इधर किशन है, परी है, और अभी अभी उठी है परी, ना परी बहुत गहरा नींद में सो रही थी क्योंकि ये लोग का छुट्टी है अभी, इसीलिए पूरा आराम कर रही है। और इधर हम सारा बर्तन वगैरह लेके ऐसे किशन का पापा ही सुबह मतलब कोयला वाला चूल्हा वगैरह जला के चले गए हैं कि तुम बना लेना, क्या करें सब तरफ देखना पड़ता है। तो आज चलिए हम बना के दिखाते हैं आप लोगों को कि हम लोग का मतलब हम कैसे बनाते हैं मूढ़ी का लाई, और बनता है कि नहीं बनता है वो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, ये रहा पानी, ये पानी डाल चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे अपना जो गुड़ है, इसको हम ऑलरेडी कूट के रख लिए हैं, तो इसमें हम अपना गुड़ डाल रहे हैं। देख सकते हैं ज़्यादा तो हमको बनाना नहीं है, कम ही बनाना है, तो हम कम ही गुड़ का यूज करेंगे क्योंकि तो ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, अभी कम ही बनाना है। इधर देख सकते हैं इसको इस तरह से हम चला लेंगे अच्छे से। तो दोस्तों जब तक हम लोग का इधर गुड़ बनता है तब तक हम और परी इधर देखिए बादाम साफ कर लेते हैं। और ये बादाम आपका मेरा मतलब हम लोग का घर का है, जिसको हम छील कर भी अच्छे से भून लिए हैं। इसका छिलका को अच्छे से साफ करेंगे, उसके बाद जब हम लोग लाई बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और उसमें मिलाएंगे तो काफी टेस्टी लगता है। उसमें हम लोग एक चीज और डालेंगे, वो आप लोग को दिखाते हैं। इधर देख सकते हैं जो अभी पाक बना रहे हैं उसमें ये अदरक डालेंगे, इससे अच्छा खुशबू आता है। अभी सर्दी का मौसम है ना, तो ये खाने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा जो गुड़ है वो कितने अच्छे से खोल रहा है, आप लोग देख लीजिए पूरा एकदम मस्त लग रहा है, खोल रहा है। इधर इसी तरह ये पूरा खोलेगा, उसको अच्छे से खोलाना है, उसके बाद फिर चेक करते रहना है। इसे देख सकते हैं पूरा अच्छे से खोल रहा है। अब ये जब तक तार तार नहीं हो जाएगा तब तक इसको मतलब बनाते रहना है, इस टाइप से खोलाते रहना है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं ये अदरक है जिसको हम कूटे थे, उसको अभी हम इसमें डाल देते हैं, इससे खाने में टेस्ट आएगा। ऐसे बहुत कोई सूखा वाला अदरक डालता है तो वो मेरे पास था नहीं, मेरे पास जो अवेलेबल है वही हम डाल रहे हैं। अभी हम देख सकते हैं अब ये हो ही गया है, सोच लीजिए कि अब कंप्लीट ही है। और इधर देखिए इतना सारा हम मूढ़ी ले लिए हैं अपना, क्योंकि वो फैला वाला बर्तन मेरे पास तो था नहीं, अभी जो है उसी में हम कर रहे हैं। लोगों का जो गुड़ है वो हो गया है, अभी इसको चलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं
इधर देख सकते हैं, एक दो बार हम चेक करके देख लिए हैं, अभी थोड़ा सा ये ठंडा होगा तब पता चलेगा। तो ये हम लोग का होक कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है, मतलब टाइट हो गया है। तो इसको अब उतारेंगे। तो दोस्तों ये मुड़ी है, इसमें हम अपना जो गुड़ है उसको डालेंगे, इस तरह से देख सकते हैं। ये काफी गर्म है और इसको काफी सावधानी से करना होता है। इधर देखिए इतना सारा डाल लिए, अब इसमें हम अपना जो बादाम है जिसको कूट के रखे हैं वो भी हम डाल ले रहे हैं। अब इसको देखिए इस तरह से मिला लेते हैं, इस तरह से अच्छे से मिला के इसको गर्म ही गर्म बांधना है, नहीं तो ठंडा हो जाएगा ना जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हम फर्स्ट अपना जो लाई है वो बांध लिए हैं, क्योंकि हम अकेले हैं तो हमको थोड़ा जल्दी जल्दी बांधना पड़ेगा, नहीं तो ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर ये खराब हो जाएगा और किशन परी को तो आएगा नहीं। तो देखिए इस तरह से बांधा जाता है, देख सकते हैं। और इधर परी बोल रही है कि हमको आ जाएगा, तो परी का भी थोड़ा हेल्प लिया जाए। परी जल्दी से आ जाओ बेटा। तो इसी तरह देखिए आपको जितना बड़ा साइज है उतना बड़ा मतलब बना सकते हैं, और हमको तो अपने आप में मतलब खुशी लग रहा है क्योंकि हमको भरोसा नहीं था कि बाबा हम बना लेंगे, लेकिन कोशिश करने से आदमी कुछ भी कर सकता है। छोटा छोटा करो बेटा, उतना बड़ा बड़ा नहीं, तुम्हारा हाथ छोटा है ना, छोटा छोटा साइज का पानी छू के करो, पानी थोड़ा छू छू के किया जाता है। और आप लोग बताइएगा आप लोग अपने घर में कैसे बनाते हैं। इधर लो पानी, इधर देख सकते हैं, इसको जल्दी जल्दी बांधेंगे नहीं तो फिर खराब हो जाएगा। तो अभी मीडियम साइज का बनाते हैं, अभी दो जन रहने से फटाफट होता है, लेकिन क्या करें अकेले करना पड़ रहा है। इधर देख सकते हैं इतना सारा हम बांध लिए हैं, काफी मस्त लग रहा है ना किशन, खाने में मजा आएगा। दोस्तों आज पहला बार मतलब हम लाई बना रहे हैं, रो भी सक्सेस हो गया तो बहुत खुशी लग रहा है ना परी। और इधर देखिए परी को आ रहा है बनाने, ऐसे भी आप लोग देखते हैं परी को सब कुछ आता है। मेरा बेटी आगे जाके मेरा बहुत हेल्प करेगी, इतना तो हमको पता है। देखिए हाँ देखिए ये भी बना ली, थोड़ा और टाइट करो, ऐसे दाबो नहीं तो पता चला कि थोड़ा देर में खुल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरह हम पूरा बना लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। देख सकते हैं इतना सारा हम मुड़ी का लड्डू बना लिए हैं, देख सकते हैं काफी अच्छा से बन चुका है। और इधर हम फिर से पाक बना रहे हैं, इधर गुड़ वाला देख सकते हैं फिर से बना रहे हैं, क्योंकि ये रहा चूड़ा, ये चूड़ा का भी हम लोग बांधेंगे अभी, तो ये ऑलरेडी परी के पापा दुकान से ही भुंजवा के ले आए हैं, तो हमको भुंजने का टेंशन तो है नहीं है, इसीलिए सिर्फ पाक बनाएंगे, अभी इसका भी लड्डू बनाएंगे। और इधर परी को देख सकते हैं पूरा बादाम कूटने में लगी हुई है, सुबह सुबह तब ना थोड़ा मेहनत करेगी तब ना खाने को मिलेगा। हाँ तो अभी चूड़ा का भी लड्डू बनाएंगे, तिल वगैरह का लड्डू हम लोग नहीं बना रहे हैं, वो मार्केट से मंगा के हम लोग खा लेंगे, बस मुढ़ी और चूड़ा का लड्डू बना दे रहे हैं घर में, क्योंकि बच्चा लोग है तो थोड़ा ज्यादा बना के रखना पड़ता है। तो चलिए अभी इसको भी बना के दिखाते हैं आप लोग को कैसे बनता है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये वाला पाक भी बन चुका है, अब हम लोग का जो चूड़ा है उसमें ये भी हम डाल दे रहे हैं, अब इसको भी हम लोग को जल्दी जल्दी एकदम गर्मा गर्म बांधना पड़ेगा। इधर देख सकते हैं थोड़ा सावधानी से करना पड़ता है, अभी देख सकते हैं इसको भी इसी तरह से हम लोग को मिला लेना पड़ेगा। देख सकते हैं इधर चूड़ा वाला भी हम लोग अच्छे से बांध ले रहे हैं, ये भी देखिए काफी अच्छा बंध रहा है, परी भी बांध रही है, हम भी दोनों जन मिल के जल्दी जल्दी बांध रहे हैं इसको। देखिए इस तरह से इसको भी इसे दबाया जाता है, तो दोस्तों देख सकते हैं सारा बना के कंप्लीट हो गया। चूड़ा वाला भी इतना सा हम लोग बना लिए, दो इधर बांध के रखे हैं, ज्यादा चूड़ा वाला बनाया नहीं है,
कम ही बनाए हैं। अब इसको सोच रहे हैं कि इस डिब्बा में बंद करके रख देंगे, अगर खुला रखेंगे तो फिर ये मतलब इसको हाँ टूटने का डर रहता है, तो हम सोच रहे हैं अभी ही इसको पूरा डब्बा में डाल के। और मम्मी ये दोनों चूड़ा का ना घर ही में बनाते हैं, हम लोग बाहर नहीं बनवाते हैं। तो आप लोग भी अपने घर में बनाइए और बच्चों को खिलाइए मकर संक्रांति का ना परी, उसके बाद दही चूड़ा तिलकुट खाइए, वो भी खाएंगे। अभी ये सब बनाना था तो सोचे ये सब पहले बना बना के रेडी कर लेंगे, उसके बाद खाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी अपने घर में जरूर बनाते होंगे, और नहीं बनाते होंगे तो फिर आप अपने घर में बनाइए और खाइए, और अच्छे से मकर संक्रांति सेलिब्रेट कीजिए, पतंग उड़ाइए ना परी, पतंगबाजी कीजिए। तो चलिए आप इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल।